जिंदा रहना है, मगर जिस तरह जिंदा कौमें रहती हैं, भीख या किशकोल आगे करके नहीं। I feel very embarrassed कि मैं आपसे हर दफा आता हूँ, कोई और आता है तो आप कहते तो नहीं, लेकिन दिल के अंदर तो आप समझते होंगे ये पैसे मांगने आ गए हैं। घर में नहीं है दाने, शरीफ चले तुर्की का दर्द बटाने। पाकिस्तान में महंगाई से चित्कार, धिक्कार है शरीफ सरकार। हुक्मरानों की ऐश, जनता के पास नहीं है कैश। सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खायत जात है। ये शायरी तो दोस्तों आपने सुनी ही होगी, जो पाकिस्तान के हालात पर बिल्कुल सटीक बैठ रही है। पाकिस्तान में गजब की महंगाई है और आलम यह है कि इंसान दो वक्त की रोटी खाने के लिए भी तरस रहा है। घरेलू सिलेंडर 3,142 रुपए में मिल रहा है, तो वहीं कमर्शियल सिलेंडर 12,086 रुपए में मिल रहा है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में किस प्रकार की महंगाई है। जब सिलेंडर की कीमत इतनी ज्यादा है तो लोग खाना कैसे खाएंगे, जब रोजमर्रा के सामान की कीमत इतनी ज्यादा है तो फिर और सामानों की कीमत क्या होगी, इसका अंदाजा आप खुद भी लगा सकते हैं। वहाँ की आवाम कह रही है कि सरकार सिर्फ सांसों पर ही टैक्स नहीं लगाई है, सांस लेने पर टैक्स लगा देना चाहिए। बार बार पाकिस्तान में आवाम पर टैक्सों का एटम बम फोड़ा जा रहा है, जिससे तंग आकर लोग कह रहे हैं कि इससे बेहतर तो उन्हें मार दिया जाए। मैं आटा लेने आया था, बहुत बड़ी परेशानी हो रही है, हुकूमत ने बहुत महंगा आटा करा हुआ, तो इसलिए लोग आवाम परेशान हो रही है, इसलिए 650 रुपए का आटा मिल रहा है। हम लोग गरीब आदमी है भाई, 25,000 तनख्वाह कमाने वाले हैं। हुकूमत से गुजारिश है कि हुकूमत हमारा ख्याल करे, गरीबों को कम से कम सस्ते से सस्ता आटा पैदा करके दे हमारे को। भाई हम तो यहाँ से गुजर रहे थे तो तकरीबन 2.5 से 3 घंटे हो गए आटे के लिए फौर हो रहे हैं, और ये तकरीबन कल का भी यही मामला, पूरा दिन मैं रक्षे वाला हूँ। अब मजबूर हो गया, अभी 3 महीने गांव में गुजार के आया हूँ, ये आया हूँ तो ये आफत आया हुआ है। पता नहीं शहबाज शरीफ की वजह से और क्यामत आ रहा है, आगे क्या होगा, तो अब हम इस बारे में क्या कहेंगे, हमारे लिए बड़ा मसला हो रहा है। जाहिर है कि जनता जब रोटी की जगह मौत मांगने लगे तो मुल्क खत्म हो जाता है, न कुछ कहने को बचता है और न ही मुल्क रहने लायक बचता है, और कंगाल पाकिस्तान की आज के समय में यही कहानी है। पाकिस्तान में हालात इतने खराब हैं कि लोग अब दूसरे देश जाना चाहते हैं। पाकिस्तान सरकार के मिनी बजट ने लोगों को दाने दाने का मोहताज बना दिया है। दरअसल पाकिस्तान में 170 अरब रुपए का मिनी बजट पेश किया गया, जिसमें GST की दरों को 17 से बढ़ाकर 18% कर दी गई, लग्जरी चीज एक्साइज ड्यूटी 25%, सिगरेट पेय पदार्थ पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई, ब्रांडेड परफ्यूम 18% बिक्री कर। पाकिस्तान में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 272 रुपए प्रति लीटर है। पाकिस्तान में 1 लीटर डीजल की कीमत 280 रुपए प्रति लीटर है। पाकिस्तान सरकार का ये फैसला जनता पर कहर बनकर टूटा है, और इसी बीच कंगाल बदहाल मुल्क को छोड़कर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ तुर्की रवाना हो चुके हैं। उनकी यात्रा का मकसद तुर्की में आए भीषण भूकंप से पीड़ितों के प्रति पाकिस्तान का समर्थन प्रकट करना है। हालांकि शहबाज शरीफ की तुर्की यात्रा की टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं। पाकिस्तान इस समय भीषण आर्थिक संकट का सामना कर रहा है, अगर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने जल्द ही कर्ज नहीं जारी की तो पाकिस्तान डिफॉल्ट हो सकता है। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार $3.7 बिलियन के रिकॉर्ड न्यूनतम स्तर पर पहुंच चुका है, और इसके बावजूद PM शहबाज शरीफ अपने देश की चिंता छोड़ तुर्की के प्रति प्यार दिखाने में जुटे हैं। शहबाज शरीफ के तुर्की यात्रा को लेकर पाकिस्तान आवाम उनकी जमकर खिंचाई कर रही है। एक यूजर ने लिखा कि हमारे PM तुर्की के साथ खड़े होने के लिए निकल रहे हैं, जबकि उनका अपना देश बदहाली में है, अपनी विदेश यात्राओं पर जनता का पैसा खर्च कर रहा है, जबकि देश जिंदा रहने के लिए हांफ रहा है। अपनों के साथ खड़ा नहीं हो सकते, लेकिन दूसरों का साथ दे सकते हैं। तुर्की और पाकिस्तान की दोस्ती 70 साल से भी ज्यादा पुरानी है। तुर्की ने हमेशा से ही इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान को ज्यादा तरजीह दी है। वहीं पाकिस्तान में आर्थिक तंगी के बीच सियासी बवाल भी बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं, भारी संख्या में पुलिस बल उनके घर के बाहर जमा है। इमरान की गिरफ्तारी की आशंकाओं के बीच उनके समर्थक लाहौर में जामन पार्क स्थित घर पहुंचे हैं, जिससे वहां तनाव की स्थिति बन गई है। विरोध को देखते हुए पुलिस घर के आसपास मोर्चा संभाले हुए है। रात भर से समर्थक जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। आइए जानते हैं इमरान खान की गिरफ्तारी क्यों होनी है, क्यों होगी इमरान खान की गिरफ्तारी।
दरअसल इमरान खान पर तोशाखाना में जमा गिफ्ट्स को सस्ते में खरीदने और ज्यादा दामों पर बेचने का आरोप है, जिसे लेकर पाकिस्तान की चुनाव आयोग ने उन्हें 5 साल के लिए अयोग्य घोषित किया है। उनके संसद सदस्यता भी रद्द कर दी गई है। इस फैसले के खिलाफ इमरान समर्थकों ने चुनाव आयोग के ऑफिस के बाहर हिंसक प्रदर्शन किया, जिसमें कुछ लोग घायल भी हुए थे। इस घटना के बाद खान के खिलाफ एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत वारंट जारी हुआ था। 20 अगस्त को इस्लामाबाद में एक रैली के दौरान इमरान ने महिला जज और पुलिस अधिकारियों को खुलेआम धमकी दी थी। इसी बीच इमरान की पार्टी पीटीआई की लीगल टीम ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खान की गिरफ्तारी से पहले ही जमानत याचिका दायर कर दी है। इसी मामले में इमरान खान को 2 दिन पहले एंटी टेररिज्म कोर्ट में पेश होना था, लेकिन वो पेश नहीं हुए, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें गिरफ्तार करने के आदेश दिए थे। इमरान लाहौर हाई कोर्ट गए, जहां गुरुवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। इसी बीच इमरान खान का बयान भी सामने आया है। उन्होंने अपने समर्थकों से कहा है कि कभी हार मत मानो, जीवन कितना भी कठिन क्यों ना हो, चाहे आपको कितना भी दर्द क्यों ना हो, दर्द अंततः कम हो जाएगा। कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता है, इसलिए चलते रहो, हार मत मानो। हाल ही में पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री शेख रशीद को बुधवार देर रात गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तान इस वक्त महंगाई की त्रासदी से गुजर रहा है। पाकिस्तान की जनता बढ़ती महंगाई से दम तोड़ रही है। पाकिस्तान पर 48 बिलियन डॉलर का कर्ज है। रोइए कि आप कंगाल पाकिस्तान में हैं। पब्लिक भूख से बेहाल है, जनता रो रही है और पाकिस्तान के पीएम सो कॉल्ड वजीर आजम शहबाज शरीफ जनता के पैसे से विदेशी दौरे कर रहे हैं। मुल्क की मौजूदा स्थिति को देखकर क्या ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान 100% बर्बाद हो जाएगा? क्या पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा? सवाल ये भी कि पाकिस्तान इस कगार पर पहुंचा कैसे, इसका जिम्मेदार कौन है? ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।